हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। तो लग रहा है ना, ये नान एकदम ज़बरदस्त और लाजवाब, और वो भी घर पर बिना तंदूर के सिंपल तवे पर बना हुआ नान। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, क्योंकि हर नॉर्थ इंडियन डिश के साथ नान का अलग ही मज़ा है, और स्पेशली गार्लिक प्लस बटर का जब कॉम्बिनेशन हो तो वाह वाह क्या कहने हैं फिर तो, क्योंकि ये नान को और भी ज़्यादा डिलीशियस बना देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिंपल, जैसे हम घर में गेहूं का आटा गूंथते हैं, सेम वैसे ही हमें नान के लिए भी आटा लगाना है। बस थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफरेंट करेंगे। सबसे पहले लेना है मैदा 2 कप, स्वादानुसार नमक, यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच नमक ले लिया है, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 कप दही, 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब मैंने लहसुन की 7-8 कलियाँ ऑलरेडी ग्रेट करके रख ली हैं, तो हम थोड़ा सा लगभग 4 से 5 कलियाँ लहसुन की इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी ग्रेट की हुई हैं। तो आप जितना लहसुन ग्रेट करेंगे उसमें से 1/2 आप डो में ऐड कर देंगे और 1/2 हम नान बनाते टाइम यूज़ करेंगे। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं, और हल्का गुनगुना पानी हम यूज़ करेंगे आटा गूंथने के लिए। सो जैसे हम घर में गेहूं का आटा गूंथते हैं, सेम वैसे ही हमने नान का आटा गूंथना है। नान बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस है। बस आपको कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, दैट्स इट। अब हम इसमें हल्का हल्का गुनगुना पानी ऐड करेंगे और फिर इसे गूंथेंगे। हल्का गुनगुना पानी हम इसमें इसलिए डालते हैं ताकि डो जो है वो बहुत सॉफ्ट रहे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ ताकि ये जो डो है वो इजीली सिमट जाए। सो इस तरह से नान का डो मैंने रेडी कर लिया है। अब इस पे हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं और इसे 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देते हैं। वो भी पूरी तरह सेट हो चुका है। सो चलिए नान बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें से एक छोटी पेड़ी बना लेते हैं नान के अकॉर्डिंग। अब चकले पे हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेते हैं और नान बेलना स्टार्ट करते हैं। आप इसे कोई भी शेप या साइज दे सकते हैं, बट जब रेस्ट्रो वाली बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि नान ओवल शेप का ही होता है। सो इसलिए मैं यहाँ पर इसे ओवल शेप दे रही हूँ। आप इसे अच्छे से बेल लीजिए, इसके सारे एजेस को। सो मैंने यहाँ पर फुल चकले के साइज का नान बेल लिया है। अब हमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है इस तरह से, और थोड़ा सा जो हमारा ग्रेटेड गार्लिक है उसे हम इस पे रख लेते हैं। सो जो हमने गार्लिक ग्रेट किया है उसे भी हम इस पे इस तरह से लगा देते हैं। अब आपने लेना है थोड़ी सी कलौंजी, रेस्ट्रो वाला लुक देने के लिए हम इस पे यहाँ इस तरह से कलौंजी स्प्रेड कर रहे हैं। अब बेलन की हेल्प से आपने इन सबको इस तरह से चिपका देना है। ताकि ये बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब हमने इस नान को फ्लिप कर लेना है और इस पे अच्छे से पानी लगा देना है।
सो इस तरह से इस पे पानी लगा दिया है मैंने। अब हमने इसको तवे पे प्लेस कर देना है। सो जो नान का पानी वाला हिस्सा है जहाँ हमने पानी लगाया है वो हिस्सा नीचे की तरफ आना चाहिए। इस तरह से आप इसे प्लेस कर देंगे। तवा मैंने यहाँ ऑलरेडी मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब जैसे ही इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, देखिए अब इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लग गए हैं, ये देख सकते हैं आप, हल्के हल्के बबल्स आने लग गए हैं। तो अब हम लो फ्लेम पर ही इस तरह से तवा उल्टा करेंगे और इसे इस तरह से गोल गोल घुमा के सेकना शुरू करेंगे। सो आप इस तरह से इसे चारों तरफ से घुमाते रहिए ताकि नान हर साइड से सिक जाए। फ्लेम को आप मीडियम लो रखिएगा ताकि नान जले नहीं और इस तरह से हर तरफ इसे फ्लेम लगे और ये सिक जाए। आप देख सकते हैं हल्का हल्का यहाँ से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। सो देखिए अब इसमें धीरे धीरे रेस्टोरेंट वाला लुक आने लग गया है। सो देखिए ये पूरी तरह से सिक चुका है। अब हम इस पे स्पून की हेल्प से बटर लगा लेते हैं। सो देखिए बन गया ना रेस्ट्रो स्टाइल गार्लिक बटर नान, बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से हमारा ये नान रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल रेस्ट्रो की तरह लुक है ना इसका, आगे से भी और पीछे से भी लग रहा है ना बिल्कुल तंदूर जैसा नान। सो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टोस्टी किचन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ आपसे।